जय श्री कृष्णा। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा।